भारत का आयुर्वेद विश्व भर में प्रसिद्ध है। सनातन परंपरा से आयुर्वेद का विशेष महत्व रहा है। आयुर्वेद को बाजार के रूप में स्थापित करने में कई लोगों का हाथ है। आज़ादी से पहले सन 1930 में 2 रुपये प्रति महीने के किराए पर एक बिल्डिंग किराए पर ली गई। उस बिल्डिंग से एक कंपनी की शुरुआत हुई और ये कंपनी थी हिमालय। इसकी नींव देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में रखी गई थी। मनाल और मिसाल नाम के दो भाइयों ने 1930 में हिमालय ड्रग कंपनी की नींव रखी थी। कंपनी की शुरुआत देहरादून की इनामुल्ला बिल्डिंग से की गई थी। उस समय इस बिल्डिंग का किराया महज 2 रुपये प्रति माह था। मौजूदा समय में मेराज मनाल कंपनी के चेयरमैन और उनके बेटे नबील मेराज वाइस चेयरमैन हैं। मेराज ने कंपनी की सेल्स इकाई से करियर की शुरुआत की थी। आयुर्वेदिक दवा के लिए सिंगल हर्ब की अवधारणा भी हिमालय ड्रग कंपनी की ही देन है। इस कंपनी ने आयुर्वेद पर उस वक्त काम शुरू किया था जब देश में अंग्रेजों का राज था और आयुर्वेद को वे दबाकर ही रखना चाहते थे। 1950 में जब जवाहरलाल नेहरू रूस की यात्रा पर गए तो उन्हें पता चला कि वहां के लोग भारत को हिमालय ड्रग और राज कपूर के ही नाम से जानते थे। ये भारत के आयुर्वेद की शक्ति को बढ़ते दबदबे का कमाल था। कंपनी के 40 उत्पादों का बेस मटेरियल आज भी देहरादून में ही तैयार होता है। एक प्रोडक्शन यूनिट दिल्ली में भी है। इसके विस्तार का काम शुरू होने पर कंपनी का कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई में बनाया गया। इसकी शोध और अनुसंधान इकाई बेंगलुरु में स्थापित की गई है। हिमालय ने 1934 में एंटी हाइपरसेंसिटिव दवा सरपीना तैयार की। इसके बाद तो रिसर्च और आविष्कारों का सिलसिला ही चल पड़ा। 1955 में कंपनी ने लीवर की दवा लिव-52 बनाई, जो आज भी इस अंग के उपचार में एक अहम नाम है। हिमालय ड्रग कंपनी ने 1996 में कॉस्मेटिक्स की दुनिया में कदम रखा। इस क्षेत्र में भी इस कंपनी के उत्पाद खासे पसंद किए गए। आज के समय में हिमालय कंपनी के कई प्रोडक्ट मार्केट की शान बने हुए हैं। आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों में ले जाने का काम जिन कंपनियों ने किया, उनमें से एक है हिमालय ड्रग कंपनी।